हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मान्यवर, जब धरती अनाज के एक दाने के बदले में हजारों दाने देती है, खलियानों में अनाज के भंडार लग जाते हैं, और जब सामने अन्न रखा हो तो भूखे रहना धरती के दयादान का अपमान नहीं है क्या? धरती जब सूत कपास देती है तो फिर कुछ लोग वस्त्र त्याग कर धरती माँ को नाराज नहीं कर रहे हैं क्या? जरा सोचिए और बताइए, क्या ये सब उचित है? अरे कभी ईश्वर को भी तो याद कर लिया करो, क्योंकि सच्चा प्रेम तो परमात्मा का प्रेम होता है। जब परमात्मा प्रेम है तो ये भी सच होगा कि प्रेम ही परमात्मा है। तुम प्रेम की परिभाषा अपने स्वार्थ अनुसार बदलने की चेष्टा कर रहे हो। रूप का लोभ भला प्रेम कैसे हो सकता है? मान्यवर, प्रेम स्पर्श है, अनुभव करने की वस्तु है। यदि रूप न हो तो मनुष्य स्पर्श कैसे करेगा? तुम इतने सुंदर शब्दों में जो कुछ कह रहे हो उसके पीछे किसी स्त्री का सौंदर्य छिपा है। इसलिए वो केवल रूप का लोभ है। सौंदर्य और आकर्षण तो प्रेम का आधार है। भीम बंधु, आइए यहां विराजिए। नहीं, वहां तुम ही विराजो, मुझे तो धरती पर लेटने की आदत है। धरती पर लेटने का आनंद कुछ और ही है, मां की गोद का सुख मिलता है। सत्य है, धरती जननी है, सबकी मां है, अन्न और धन इसी धरती की देन है। माँ की ममता की छाती सब कुछ निछावर करती रहती है। धरती माँ की दया अपरंपार है, हमसे कुछ लिए बिना बस दिए जाती है। इसकी माटी में एक बीज बो और हजारों काटो, मनुष्य एक पेड़ लगाता है और उसकी कई पीढ़ियां उससे लाभ उठाती हैं। धरती माता का बस एक ही धर्म है, देना, हजार गुना देना, लाखों गुना देना, बस देना ही देना, देना ही देना। दीन बंधु, जब धरती माता का धर्म देना है ना, तो मनुष्य का धर्म क्या हुआ? लेना, और क्या। तो फिर आप धरती माता के धर्म को नकारते क्यों हो? क्यों इसकी ममता को ठोकर मारते हो? क्या मतलब? अभी थोड़ी देर पहले आप भोजन खाने से इनकार कर रहे थे। मान्यवर, जब धरती अनाज के एक दाने के बदले में हजारों दाने देती है, खलियानों में अनाज के भंडार लग जाते हैं, और जब सामने अन्न रखा हो तो भूखे रहना धरती के दयादान का अपमान नहीं है क्या? धरती जब सूत कपास देती है तो फिर कुछ लोग वस्त्र त्याग कर धरती माँ को नाराज नहीं कर रहे हैं क्या? जरा सोचिए और बताइए, क्या ये सब उचित है? तो मुझे सांसारिक बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हो। नहीं मान्यवर, नहीं, ये बात नहीं है। मैं तो केवल ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस चादर पर पधारें जो सूत से बनी हुई है, अर्थात धरती माँ की देन है।
मैं अपने शरीर को ऐसे विश्राम की लालसा का बंदी नहीं बनाना चाहता। तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं यहीं पर ठीक हूं। दुख में सुख भोगने की आदत है मुझे। आप मेरे शत्रु हैं क्या? अरे ये क्या कह रहे हो, भला मैं तुम्हारा शत्रु कैसे हो सकता हूं? शत्रु नहीं है तो मुझे पाप का अधिकारी क्यों बनाते हो? इसमें पाप पुण्य की कौन सी बात है? यही कि एक ब्राह्मण की सेवा का अवसर मिला है, वो भी छीन रहे हो मुझसे। क्या ब्राह्मण की सेवा पुण्य नहीं होती? मुझे भोजन करा के एक पुण्य तो कमा ही लिया तुमने। एक पुण्य? अरे मैं तो 1000 पुण्य कमाना चाहता हूं। चलिए उठिए और चादर पर जाकर लेटिए। अरे ये क्या कर रहे हो? मान्यवर, जब कोई मनुष्य समझाने से न समझे, तर्क को भी न माने, तो शास्त्र कहता है कि बल का उपयोग करना भी उचित है। चलिए उठिए। अरे मैं साथ ये आइए, मैं कहता उठिए। बल का उपयोग न करो, चलिए चादर पर चलकर सोइए। मैं मुझे मुझे कहां ले जा रहे हो? अरे देखो मेरी बात को समझो। अरे क्या कर रहे हो? क्यों सो जाइए। अरे हाँ, क्या कर रहे हो? बहुत हठीले हो तुम। ले जाइए ना, सो जाइए ना। सोता हूँ मुरली मनोहर। सो जाइए, आग बंद कर लीजिए। अच्छा हाँ, सो जाता हूँ। श्री कृष्ण, सो जाइए ना। हाँ अच्छा मनोहर, आंखें बंद करता हूँ। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।
आप अभी तक जाग रहे हैं? लक्ष्मी देवी की याद आ रही है। लक्ष्मी देवी की बहुत याद आ रही है। अरे कभी ईश्वर को भी तो याद कर लिया करो क्योंकि सच्चा प्रेम तो परमात्मा का प्रेम होता है, बल्कि परमात्मा ही प्रेम है। हे ब्राह्मण देवता, जब परमात्मा प्रेम है तो यह भी सच होगा कि प्रेम ही परमात्मा है। तुम प्रेम की परिभाषा अपने स्वार्थ अनुसार बदलने की चेष्टा कर रहे हो। रूप का लोभ भला प्रेम कैसे हो सकता है? मान्यवर, प्रेम स्पर्श है, अनुभव करने की वस्तु है। यदि रूप न हो तो मनुष्य स्पर्श कैसे करेगा, अनुभव कैसे करेगा? आप भी तो भगवान की मूर्ति बनाते हैं। रूप के लोभी हे सांसारी युवक, तुम प्रेम को क्या जानो? अरे प्रेम तो एक ऐसा विशाल समुद्र है जिसमें डूब कर भी उसकी ठाह नहीं मिलती, न तैर कर उसका किनारा मिलता है। विप्र, आप प्रेम को एक समुद्र कह रहे हैं, पर मुझे यूं लगता है कि प्रेम एक आंसू है जिसमें आनंद और पीड़ा के दो समुद्र हैं। उनमें जो तैरना जाने वही सच्चा प्रेमी होता है। ऐसा विशुद्ध प्रेम इस लोक में तो दुर्लभ है। पर मैं तो देख रहा हूं कि सारे संसार में प्रेम ही का अखंड साम्राज्य है। इस सारी सृष्टि का आधार ही प्रेम है। विधाता ने सर्वप्रथम प्रेम ही की रचना की होगी और फिर समस्त सृष्टि का निर्माण किया होगा। परम अनुराग ही प्रेम है। मुरली मनोहर, तुम्हारा मन एक स्त्री के प्रेम में व्याकुल है जबकि प्रेम में मन अनंत तृप्ति पा जाता है। ना 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 ना, ना। अतृप्ति में जब मन तृप्ति पाले तो वो प्रेम है। जागते हुए अंधकार को सुला देता है, सोती हुई आत्मा को जगाने वाला भी प्रेम है। तुम इतने सुंदर शब्दों में जो कुछ कह रहे हो उसके पीछे किसी स्त्री का सौंदर्य छिपा है, इसलिए वो केवल रूप का लोभ है। सौंदर्य और आकर्षण तो प्रेम का आधार है। विधाता ने सृष्टि की रचना में सुंदरता को ही आधार बनाया है। आकाश पर ये चंद्रमा, ये तारे, धरती पर ये फल, ये फूल तथा सुंदर पक्षी, जिन्हें देखकर मनुष्य के मन से ईश्वर की प्रशंसा ही निकलती है। प्रेम भी इसी प्रशंसा का एक उत्तम रूप है। और क्या सुंदरता की प्रशंसा उस सौंदर्य के विधाता की प्रशंसा नहीं है? अवश्य है। अर्थात अपनी प्रेमिका के सौंदर्य या उसके सुंदर गुणों से प्रेम, ईश्वर की अद्भुत लीलाओं से प्रेम हुआ। मुरली मनोहर, हाँ तुम में
एक गुण अवश्य है। क्या? अपने नाम की ही भांति मन को हर लेते हो। मनोहर नाम का गुण है तुम में। तुम्हारी बातों और तुम्हारे तर्कों से जीत पाना कभी कभी असंभव हो जाता है। मुझे तो अपना धर्म ही संकट में नजर आता है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण, तुम्हें प्रेम रस में डूबना है तो डूबो भाई, मुझे तो नींद आ रही है। श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण